मोहाली खरड़ फ्लाईओवर का आखिरकार होया उद्घाटन। फ्लाईओवर का 5 किलोमीटर का हिस्सा लोगों लिए खोलिया गया, बाकी हिस्सा 15 जनवरी तक खोल दिता जाएगा। करीब 368 करोड़ रुपए की लागत नाल प्रोजेक्ट किया जा रहा है तैयार। काफी लंबे समय तो लोग कर रहे थे इंतजार, लोगों को होना पै रहा है खज्जल खुआर। 2 साल तो लगातार 6 अंतम तरीक गुआन तो बाद आखिरकार मोहाली खरड़ फ्लाईओवर का उद्घाटन हो ही गया। 10.63 किलोमीटर लंबे मोहाली खरड़ फ्लाईओवर का 5 किलोमीटर हिस्सा लोगों लिए खोल दिता गया है, जबकि बाकी का हिस्सा 15 जनवरी तक खोल दिता जाएगा। तुहानू दस दिए कि 368 करोड़ रुपए की लागत नाल यह प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। जेकर पुल के निर्माण से झात मारीे तो फ्लाईओवर के मुकम्मल होने की आखिरी तरीक इस साल सितंबर की सी, पर तालाबंदी कारण प्रोजेक्ट के काम च देरी हुई है। जिला प्रशासन वालों 19 अप्रैल को प्रवानगी मिलने तो बाद यह काम दोबारा तो शुरू कर दिया गया सी। इस तो पहला प्रोजेक्ट दियां कई सीमावां खुंज गई सन। NHAI ने लारसन अते टूबरो यानी LNT नू यह प्रोजेक्ट सौंपिया सी, जिसने नवंबर 2015 च फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कर दिता। प्रोजेक्ट की शुरुआत दसंबर 2018 तक मुकम्मल करने की योजना सी, पर जमीन के एक्वायर विच देरी तो लैके होर प्रबंधकी रुकावटां तक अते महामारी के विचकार काम के मुद्दे देरी के मुख्य कारण सन। आखिरकार हुण यह प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल तौर पर पुज चुका है, तो हुण 15 जनवरी नूं इसका जो अंतम चरण है वह भी पूरा हो जाएगा। यानी कि आज तक जो 5 किलोमीटर का पुल का निर्माण है वह पूरा हो चुका है, तो लोगों नूं सुपरद भी कर दिता गया है। इसे नूं लैके श्री आनंदपुर साहब तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवारी ने पुज के इसका उद्घाटन किया, तो आओ एक बार उन्होंने जुबानी जरूर सुनते हैं की कहना है उन्होंने। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬਰੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 10.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ 368.5 ਕਰੋੜ। मोहाली तो बलजीत मरवाहा की रिपोर्ट, फोल्ड पंजाबी टीवी।